ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, वास्तव के साथ इसका कोई भी मेल नहीं है। ये बस दर्शकों की मनोरंजन के लिए है। रत्नाकर और टीबी की आज की निवेदन है, उपयुक्त पात्र। बहुत समय पहले जयसेन नाम की एक राजा था, उनके राज्य की नाम था चंद्रदीप। वो राजा बहुत ही धनवान था, वो बहुत ही न्यायपरायण राजा था। उनके विचार की क्षमता भी बहुत अद्भुत था और इस वजह से ही पूरी दुनिया में उस समय पे उनके यश और प्रतिपत्ति था। एक दिन राजा जयसेन अपने दरबार में बैठे हुए थे, उनके पास सभासद भी बैठे हुए थे। उस वक्त राज्यसभा में एक युवक प्रवेश किया था। उसने कहा था, महाराज मैं आपके पास बस एक काम के लिए आया हूँ, मेरी ये आस है कि आप मुझे जरूर निराश नहीं करेंगे। वो युवक सुदर्शन था, उसे देखकर ज्ञानवान लग रहा था। तब राजा ने उन्हें उनका परिचय जानना चाह रहे थे। तब उस युवक ने जवाब में कहा था, महाराज मेरा नाम शंकर है, आपके ही राज्य के काजलगढ़ नगर में मैं रहता हूँ। मेरे विद्या तो बहुत ज्यादा नहीं है, पर बुद्धि के बल से मैं किसी को ये जानने नहीं देता हूँ कि मेरे विद्या नहीं है। आप चाहे मुझे जो भी काम में नियुक्त करे, मैं उसे अच्छे से कर लूंगा। तब राजा साहब ने उससे पूछा था कि तुम कितना तनख्वाह चाहते हो। तब उस युवक ने कहा था, मुझे हर रोज 1000 स्वर्ण के मुद्राएं देना होगा। जिस दिन आप मुझे वो नहीं देंगे, उस दिन मैं राजमहल छोड़कर चला जाऊंगा। तब शंकर की मांग सुनकर राजा से लेकर सभासद सब लोग बस चुप होकर रह गए थे। पर तब राजा ने थोड़े देर तक सोचने के बाद उसे काम पर रख लिया था। उन्होंने सोचा था, उस युवक के अंदर जरूर कोई अद्भुत शक्ति है, जिसके वजह से वो रोज सुबह 1000 स्वर्ण की मुद्रा की मांग कर रहा है। तब राजा ने कहा था, अच्छा चलो ठीक है, आज से तुम मेरे अंग रक्षक होकर मेरे साथ रहोगे। रात को जब मैं विश्राम करूंगा, तब तुम राजमहल पहरा दोगे। वो युवक राजा के कहने के मुताबिक काम पर लग गया था। वो हर रोज सुबह उठकर 1000 स्वर्ण के मुद्राएं लेता था। वो उन मुद्राओं में से आधा अतिथि ब्राह्मण और वैष्णवों को दान कर देता था और बाकी जमा कर देता था। ऐसे धीरे धीरे शंकर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा होने लगा था। ऐसे ही बस दिन कट रहा था, लेकिन अचानक एक दिन अंधेरे में एक नारी की रोने की आवाज आया था। राजमहल के सभी उस सुर को सुन लिया था। राजा रानी भी आश्चर्य हो गया था, इतने रात को रो कौन रहा है। तब राजा ने शंकर के पास आया था और उस बारे में दोनों ने आलोचना शुरू कर दिया था। तब शंकर ने कहा था, महाराज आप निश्चिंत होकर सो जाइए, मैं जाकर देख कर आता हूँ कौन इतने रात को ऐसे रो रहा है, सब कुछ जानकर मैं आपको खबर दूंगा। तब राजा साहब ने कहा था, बहुत अच्छा, मैं जाग कर बैठा रहता हूँ, तुम मुझे आकर पूरा समाचार दो। ये कहकर शंकर वहां से चला गया था। जैसे जैसे शंकर उस रोने की आवाज के पीछे पीछे जा रहा था, ठीक वैसे वैसे ही राजा साहब भी शंकर के पीछे जा रहा था। राजमहल के थोड़े ही दूर पर एक छोटा सा नदी था और उस नदी के तट पर एक विराट शमशान था। शंकर ने शमशान में खड़ा होकर देखा कि वहां पर एक युवती खड़ी हुई है। उसे पहले लगा था कि वो एक पगली है, लेकिन वो युवती बहुत सुंदरी था। चांद की रोशनी में सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। जब शंकर ने उस युवती के पास जाकर खड़ा हुआ था, तब भी वो रोना बंद नहीं करी थी। तब शंकर ने उस युवती से पूछा था, कौन है आप और आप रो क्यों रही है। तब उस युवती ने जवाब में कहा था, मैं चंद्रदीप की राजा जयसेन की राज्य की राजलक्ष्मी हूँ। राजा मेरे अति प्रिय एक पुत्र है, लेकिन आज से 7 दिन बाद राजा की मृत्यु हो जाएगी और उस दुख के कारण ही मैं रो रही हूँ। तब शंकर ने पूछा था, माँ राजा साहब अगर आपके इतने प्रिय है, तो फिर आप एक ऐसा उपाय बताए कि जिससे उनकी मौत टल जाए। तब राजलक्ष्मी ने कहा था, उपाय है पर वो बहुत मुश्किल है।
अगर कोई अपना प्राण उत्सर्ग कर दे तो फिर राजा साहब बच जाएंगे। तब शंकर ने पूछा था कि किसके प्राण अर्पण करने से राजा साहब की प्राण वापस आएगा। तब राजलक्ष्मी ने कहा था, इन 7 दिनों के अंदर तुम अगर तुम्हारे पुत्र को उसके माँ के हाथों बलि दे सकते हो तो फिर राजा की 150 साल आयु होगा। तब शंकर ने राजलक्ष्मी को प्रणाम कर कहा था, अच्छा माँ वो ही होगा। तब शंकर ने राजमहल ना जाकर अपने घर चला गया था। राजा जयसेन ने भी उसके पीछे पीछे छुपकर चल रहे थे। तब शंकर ने अपने घर से अपने स्त्री पुत्र कन्या सबको जगाकर राजलक्ष्मी के बात खुलकर कहा था। तब शंकर के एकमात्र बेटा वीरसेन ने कहा था, पिताश्री जिसके नमक खाकर हम लोग जिंदा है उनके लिए अगर मुझे प्राण देना पड़े तो फिर वो तो बहुत अच्छी बात है, चलिए मैं राजलक्ष्मी के पास जाऊंगा। इसके बाद सब एक साथ शमशान पर चले गए थे। अपने पुत्र को राजलक्ष्मी के पास शमशान में बलि देने के बाद वीरसेन की मां ने उस खड़ग से अपनी सर को भी धर से अलग कर लिया था। तब भाई और मां दोनों की बलि होते देखकर शंकर की बेटी ने भी अपना सर काट लिया था। और आखिर में शंकर ने सोचा कि जब सब मर ही गए हैं तो फिर मेरे जिंदा रहने का ही क्या फायदा है। उसने भी उस खड़ग से अपना सर धर से अलग कर लिया था। यह पूरा घटना राजा जयसेन चुपचाप देख रहे थे और सोचने लगे, मेरे जिंदा रहकर ही क्या फायदा, मेरे वजह से एक हंसता खेलता परिवार नष्ट हो गया। और इसलिए वो खड़ग लेकर अपने गर्दन को बस काटने ही जा रहे थे। तब राजलक्ष्मी ने उनके हाथ से उस खड़ग को ले लिया था और कहे थे, राजा साहब सच में तुम महान हो, मैं तुम्हारे ऊपर संतुष्ट हूँ, अब तुम जो वर चाहोगे तुम्हें वही मिलेगा। तब राजा ने वरदान के रूप में शंकर और उसके पूरे परिवार की प्राण वापस चाहे थे और राजलक्ष्मी तथास्तु कहकर सबकी प्राण वापस देकर चली गई थी। उसके बाद राजा जयसेन ने शंकर के पुत्र वीरसेन को अपने बाहों में पकड़ लिया था। राजा का कोई पुत्र संतान नहीं था। आखिर में वीरसेन बड़ा होने के बाद राजकुमारी के साथ उसका विवाह हुआ था और वो ही राजा बनकर शासन करने लगा था। सब लोग आखिर में ये कहने लगे, राजा जयसेन ने उपयुक्त पात्र को ही राज्य और राजकन्या दान किया है। दोस्तों, हमारे सारे वीडियोस आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लेना और उसके साथ साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस करके रखना ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे।